नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र मुजीदरा आप सभी का स्वागत करता हूँ गुजराती चेस जोन में। दोस्तों अभी हमारी जो सीरीज चल रही है नेसडॉर्फ वेरिएशन, बहुत ही इंटरेस्टिंग है लाइन। सिसिलियन डिफेंस बहुत लोग खेलना चाहते हैं, पर सारे वेरिएशन जिसको पता नहीं है वो फिर वही से ट्रैप में फंस जाते हैं। इसीलिए मैंने स्पेशली ये नेसडॉर्फ के सीरीज बनाई है ताकि हर एक मूव आपके पास आ जाए, एक भी मूव आप मिस नहीं करें। तो दोस्तों यहाँ पे आज तक हमने देखा कि वाइट की सिक्स्थ मूव नेसडॉर्फ में, 6 मूव आपको मतलब ब्लैक की और वाइट की 5 मूव कंप्लीट कर देनी है, उसी के बाद नेसडॉर्फ वेरिएशन शुरू होता है। और उसके बाद अलग अलग मूव्स वाइट के रिप्लाई जिसके बारे में हमने देख लिया है पहले, e4, c5, Nf3, d6, d4, Cxd4, Nxd4, Nf6, Nc3, देन a6। मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था कि बिशप e3 के बारे में हमने देखा था, और उसके बाद हमने देखा कि बिशप g5। अब यहाँ पे सिक्स्थ मूव और क्या हो सकती है वाइट की ओर से, दोनों वेरिएशन आपके हाथ में दोस्तों। पहले उसे तैयार कर लीजिए, उसके सारे मूव आप कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद ये तीसरा वेरिएशन आप प्रिपेयर कीजिए। और थर्ड वेरिएशन ये है वाइट की ओर से, सिक्स्थ मूव में वाइट खेल सकता है बिशप c4, डायरेक्टली अटैक ऑन f7 पॉन। तो बिशप c4 के सामने कैसे खेला जाता है ये मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो देखने से पहले दोस्तों पहले इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि पूरी सीरीज आपको वन बाय वन ऑल वेरिएशन आपको मिलेंगे इसमें। उसके बाद बहुत सारी ओपनिंग्स आपको सीखने को मिलेगी, आप जो भी सजेस्ट करेंगे उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा। कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिए कि मुझे ये वीडियो पसंद है। कुछ लोगों की फरमाइश है कि रॉयल ओपेस के ऊपर आप वीडियो बनाइए। तो ये सीरीज खत्म होने के बाद मेरा ख्याल है कि मैं रॉयल ओपेस के ऊपर वीडियो बनाना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं नेसडॉर्फ वेरिएशन, सिक्स्थ मूव बिशप c4। बिशप c4 वेरिएशन में सबसे पहले मूव आपको e6 करना होगा। यहां पे वाइट अगर a4 करता है, अब a4 क्यों करेगा आप मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं कि a4 क्यों, क्योंकि वाइट अगर स्टॉप करना चाहता है कि ब्लैक का जो b5 अटैक है नेक्स्ट मूव में वो रुक जाए, तो b5 अटैक को स्टॉप करने के लिए वाइट यहाँ a4 खेल सकता है। तो 7th मूव में वाइट a4 खेलेगा तो उसके रिप्लाई में बिशप e7 सिंपल कैसलिंग का आइडिया है यहाँ पे। और कैसलिंग नेसडॉर्फ में अगर जल्दी होता है तो कई गेम में बहुत ही मजा आता है खेलने में ब्लैक से। वाइट कैसल करेगा और यहाँ पे ब्लैक दोनों की सेम साइड कैसलिंग है। इसमें कुछ कुछ वेरिएशन आपने देखे होंगे कि हमने देखा पहले कि कहीं लॉन्ग कैसल वाइट की ओर से होता है, ब्लैक की ओर से कैसल ही नहीं होता है, और कई बार शॉर्ट कैसल ब्लैक की ओर से होता है, अपोजिट कैसल वाइट करता है। तो यहाँ पे दोनों साइड कैसल होने के बाद व्हाइट की बेस्ट मूव होगी बिशप e3। मूव नंबर 9th बिशप e3। अगर यहाँ पे अगर व्हाइट ने f4 किया तो आप उसे पनिश कर सकते हो, जैसे कि कोई f4 अटैक करना चाहता है तो यहाँ पे आप कैसे पनिश कर सकते हो। अगर किसी ने f4 जल्दी कर लिया तो आप उसे d5 करके पनिश कर सकते हो। अब d5 से क्या होगा, e takes d5, आपका डार्क स्क्वायर वाला बिशप ओपन होता है। बिशप e2, अगर बिशप e2 खेलता है वाइट तो यहाँ पे नाइट c6, बिशप e3, देन बिशप c5। तो ये पोजीशन में ब्लैक के सारे पीसेस जबरदस्त अटैक में और जबरदस्त पोजीशन ले लेते हैं, और यहाँ से ब्लैक से आपको खेलने में बहुत मजा आएगा। तो f4 ये याद रखना है कि यहाँ पे व्हाइट की मिस्टेक क्या है, f4।
मूव नंबर नाइन्थ में व्हाइट को ये पोजीशन में बिशप ई थ्री पहले खेलना पड़ेगा। तो बिशप ई थ्री के सामने आपको रिप्लाई देना है नाइट सी सिक्स सिंपल। अब यहां पे ये पोजीशन में मैं आपको एक क्वेश्चन करता हूं कि इसमें से ब्लैक के कैसे तीन प्लान है। इस पोजीशन से ब्लैक के पास तीन प्लान है, थ्री टाइप्स प्लान। तो पहला प्लान ये है कि बिशप डी सेवन, उसके बाद नाइट सी सिक्स, नाइट टेक्स डी फाइव, देन बिशप सी सिक्स, आपका एक ये प्लान है यहां पे। दूसरा प्लान, सेकंड प्लान है नाइट बी फाइव, उसके बाद सेंटर पे कंट्रोल करना है आपको, मतलब डी फाइव स्क्वायर पे आपका कंट्रोल हो जाएगा। तो नाइट बी फाइव के बाद बी सिक्स, और यहां पे बिशप बी सेवन, एक ये दूसरा प्लान है। तीसरा प्लान नाइट ए फाइव, और बिशप को ब्लॉक करके उसके बाद बी सिक्स, देन बी बी सेवन। तो ये तीन प्लान आपके हाथ में है दोस्तों। जनरली गेम में क्या होता है, ये सब डेटाबेस में आप गेम देखोगे कि ज्यादा लोगों ने कौन से प्लान यूज किए हैं, वो मैंने आपको साइट बता दी है। उस साइट में जाके आप देख सकते हो कि ज्यादा लोगों ने कौन से प्लान यूज किए हैं और आप उसे फॉलो कर सकते हो। ओपनिंग रेडी करने के बाद आपको गेम देखनी है, और ऑनलाइन गेम देख के आपको अलग अलग प्लान अपने कौन से बेस्ट है आपको बुक में लिख देना है कि मेरे लिए ये प्लान बेस्ट है, और आप उसी को फॉलो करेंगे। तो ये तीन प्लान मैंने बताया है यहाँ पे। किंग एच वन, वाइट यहाँ पे खेलता है किंग एच वन। अब किंग एच वन एक वेटिंग मूव है कि कभी भी वो एफ फोर एफ फाइव अटैक कर सके, और उसका जो बिशप और नाइट जो डायगोनल में है वो एक्सरे में पिनिंग नहीं है। यहाँ पे आपको खेलना है बी डी सेवन। एज यूजल मैंने बताया था कि आपके पास ये तीन प्लान है, तो हम ये बी डी सेवन बेस्ट यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट है, क्योंकि मैंने डेटाबेस में देखे हैं, बहुत सारे गेम्स देखे हैं, उसमें बिशप डी सेवन वाला आइडिया बेस्ट है। बी डी सेवन के बाद व्हाइट खेलता है क्वीन ई टू। अब वो हमारे बी फाइव, रुक बी एट वगैरह वगैरह जो भी प्लान है हमारे पास, उसे स्टॉप करने के लिए क्वीन ई टू करता है। तो क्वीन ई टू के सामने आपको रिप्लाई देना है रुक सी एट। देखो धीरे धीरे पोजीशन बनानी है इसमें। ये मूव नंबर हो गया 11th। आफ्टर 11th मूव व्हाइट खेलेगा बिशप बी थ्री, क्योंकि हैंगिंग बिशप रखना कोई नहीं चाहेगा। तो बिशप बी थ्री, उसके सामने आपको नाइट ए फाइव। अब आपको ये बिशप जो स्ट्रांग बिशप है उसके सामने नाइट का ट्रेड करना है। तो बिशप ए टू व्हाइट नहीं चाहेगा कि उसका स्ट्रांग बिशप वो आपको दे दे, अगर देता है तो आपके लिए बेस्ट है। अब यहाँ पे फाइंड द बेस्ट मूव फॉर ब्लैक, ब्लैक के लिए बेस्ट मूव आप ढूंढिए। पोजीशन हो गई है 13th मूव ब्लैक की है, व्हाइट ने 13th मूव कर दी है, तो ब्लैक की ओर से बेस्ट मूव क्या होनी चाहिए, वीडियो पुश करके आप सोच के मुझे बताइए। तो यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन है क्वीन सी सेवन, क्योंकि आप क्वीन साइड खेल रहे हो, सिसिलियन में ज्यादातर हम क्वीन साइड खेल रहे हैं। तो क्वीन सी सेवन के बाद आर ए डी वन, अगर व्हाइट खेलता है ओपन फाइल में, हाफ ओपन फाइल में रूक, उसके बाद नाइट सी फोर। नाइट की पोजीशन, अब यहां से दोस्तों अलग अलग तरीके की गेम्स होती है। अगर किसी ने आपके बिशप से नाइट मार लिया तो ये पोजीशन में मूव आपको ओपनिंग में इतने ही लिखने हैं। आगे गेम देखिए, यहाँ पे सपोज हम करते हैं बिशप टेक्स नाइट, तो यहाँ आप क्वीन टेक्स बिशप करोगे और क्वीन से ट्रेड करोगे। अगर उसने क्वीन एक्सचेंज कर ली ब्लैक ने, तो ब्लैक रुक टेक्स क्वीन, और ये पोजीशन टोटली ब्लैक के फेवर में दोस्तों, क्योंकि ओपन फाइल जो है हाफ ओपन फाइल वो आपके हाथ में है, नाइट के ऊपर अटैक है, एक्सरे अटैक आपका सी टू पे भी है, और नेक्स्ट मूव में आप रुक सी एट करके खेल सकते हो। तो ये प्लानिंग से आप बेस्ट गेम खेल सकते हो। फिर से दोस्तों एक बार ये पूरी लाइन देख लेते हैं।
यहाँ पे e4 c5 nf3 d6 बिशप e3 सॉरी बिशप c4 वाली हम देख रहे हैं, बिशप c4। यहाँ पे देखो चेंजिंग कहाँ हो रहा है, bc4 के सामने आपको खेलना है e6। e6 के बाद a4 वाली लाइन है ये, a4 के सिवाय की लाइन हम अभी मैं आपको बताता हूँ। अगर किसी ने a4 नहीं किया, आपके b5 को स्टॉप नहीं किया, तो आपको क्या टेम्पो मिलता है। बिशप e7 करके शॉर्ट कैसल कर देना है, बिशप e3, उसके बाद Nc6 और आइडिया Bd7 और Rc8, और यहाँ पे ये प्लानिंग है। तो दोस्तों ये थी, अब यहाँ पे हम चेंज करते हैं कि सपोज किसी ने a4 नहीं किया e6 के बाद, तो और क्या कर सकता है। अर्ली वो बिशप e3 कर सकता है, पहले bb3 सपोज। यहाँ पे व्हाइट ने अगर पहले से ही bb3 खेल दिया, तो यहाँ पे आपको खेलना है बिशप पॉन b5। b5 के बाद व्हाइट अगर बिशप g5 करता है, तो यहाँ सिंपल बिशप e7, आपको स्ट्रक्चर बिगड़ने नहीं देना है और डेवलप कर देना है। बिशप e7 के बाद व्हाइट क्वीन f3, डिस्कवर की थ्रेट है यहाँ पे। तो यहाँ आपको क्या खेलना है, क्वीन f3 के सामने सिंपल qb6, आप अटैक करो इस नाइट के ऊपर। तो qb6 के बाद वाइट रिप्लाई देगा लॉन्ग कैसल, और देखो यहाँ पे अपोजिट साइड कैसल का प्लानिंग हम कर सकते हैं। यहाँ सिंपल शॉर्ट कैसल कर देना है। अब आपको ये गेम खेलने में बहुत मजा आएगा। मूव नंबर 10th में हमने शॉर्ट कैसल किया, और यहाँ पे क्वीन साइड आपके पीसीस है और व्हाइट ने क्वीन साइड कैसलिंग किया है, तो ब्लैक की ओर से आप अर्ली अटैक यहाँ कर सकते हो। अब अटैक कैसे करना है इसमें हम देखते हैं, आगे एक गेम देखते हैं। रुक एच ई वन व्हाइट ने खेला था यहाँ पे, रुक एच ई वन। तो गेम में बिशप b7 ब्लैक ने रिप्लाई दिया था, और इस पॉन को पिन किया bb7, उसके बाद में क्वीन g3, व्हाइट प्लेड हियर क्वीन g3, और ब्लैक ने सिंपल Nc6 डेवलप किया, नाइट टेक c6, यहाँ पे क्वीन टेक c6, क्योंकि ये पॉन पे थ्रेट है। बिशप टेक्स नाइट, बिशप टेक्स देन रुक टेक्स क्वीन पॉन हो सकता है। यहाँ पे क्वीन c6, बिशप h6, व्हाइट चेकमेट की थ्रेट देता है। आपको सिंपल नाइट e8 से डिफेंड कर देना है। अब ये नाइट बहुत स्ट्रांग हो गया आपका, g7 पे सपोर्ट और d6 पे भी सपोर्ट कर रहा है, प्रोटेक्शन दोनों साइड है। हालांकि ओवरलोड नाइट है, लेकिन ज्यादा देर नहीं है। इसके बाद व्हाइट ट्राई करेगा f4 अर्ली अटैक करने के लिए। आपको सिंपल किंग h8 खेल देना है, ताकि ये बिशप फोर्सफुली g5 खेलना पड़े। बिशप g5 के बाद बिशप टेक्स g5, यहाँ पे f क्रॉस g5, व्हाइट ने खेला था f क्रॉस g5, हालांकि बुक में क्वीन क्रॉस g5 बेस्ट बताया है। f क्रॉस g5 के बाद व्हाइट ब्लैक ने खेला था b4, नाइट e2, और यहाँ पूरी क्वीन जो फाइल है सी फाइल ओपन हो गई है। और यहाँ ब्लैक को ज़्यादा फायदा हुआ था कि नाइट e2 के बाद e5 किया था व्हाइट ने। एक स्ट्रेंज मूव है e5 सिंपल, उसके क्वीन को बंद करने का ट्राई किया है। बिशप d5 अलाउ किया है, क्वीन c7 सिंपल डिफेंसिव मूव। बिशप टेक्स बिशप किया उसने, क्वीन टेक्स बिशप, और उसके बाद क्वीन h4, वाइट ट्राई कर रहा है इस साइड मेट करने का, और ब्लैक क्वीन साइड अटैक करने का रुक c8। रुक c8 के बाद में रुक d3, वाइट ने डिफेंसिव मूव किया है। रुक d3 के बाद f5, ब्लैक प्लेड f5 हियर, e क्रॉस f5,
रुक क्रॉस F5, देन वाइट प्लेट G4, और यहाँ पे क्वीन E4। ये एक एक्सक्लामेशन मार्क वाला मूव है, क्योंकि क्वीन टेक्स क्वीन की थ्रेट है अगर पॉन टेक्स रुक मारा तो। क्वीन E4 के बाद ये टैक्टिकल मूव आपको बोर्ड के ऊपर ढूंढने पड़ेंगे दोस्तों। ओपनिंग तो मैं सिखा दूंगा, लेकिन बोर्ड के ऊपर आपका थिंकिंग जरूरी है। क्वीन E4 के बाद रुक D2, वाइट ने डिफेंस किया नाइट को। रुक D2 के बाद ब्लैक प्लेड हियर रुक F8, उसके बाद नाइट D4, डिस्कवर्ड के थ्रेट दी है। नाइट D4 के रिप्लाई में ब्लैक ने क्वीन D5, व्हाइट ने G6 किया चेकमेट की थ्रेट, और ब्लैक को सिंपल रिप्लाई देना पड़ा H6 से, और क्वीन E7 फिर से रुक को मारने की थ्रेट है। तो क्वीन E7 के रिप्लाई में रुक F6 व्हाइट प्ले, तो क्वीन D7 फिर से दूसरे रुक पे अटैक किया था। क्वीन C4 से सपोर्ट, अब नाइट मरने की थ्रेट भी है। तो क्वीन C4, G5, अगेन ओपन द लाइन H क्रॉस G5, क्वीन H3, किंग G8। यहाँ पे मेट नहीं हो रहे दोस्तों, किंग G8, उसके बाद नाइट F5, व्हाइट ने अटैक कंटिन्यू किया है। नाइट F5 में रुक C7 सिंपल डिफेंस किया है नाइट चेक से बचने के लिए, और रुक C7 के बाद B3, और यहाँ पे क्वीन E6, क्वीन H7 चेक, किंग F8, नाइट E3, रुक C5। RE D1, फिर E4, क्वीन H8 चेक, किंग E7, रुक D5, रुक टेक्स D5, किंग E7 के बाद रुक D5, और यहाँ पे रुक टेक्स रुक, रुक टेक्स रुक, और ब्लैक ने रुक सेक्रीफाइस किया। आफ्टर नाइट टेक्स रुक, क्वीन टेक्स रुक, और ये गेम बहुत मूव्स के बाद ड्रॉ हो गई थी। तो ब्लैक की ओर से काफी परेशानी हुई ब्लैक को खेलने में, क्योंकि अटैक वाइट का ज्यादा था। लेकिन आप प्रिपेयर करके गेम खेलोगे तो इसमें बहुत मजा आएगा। नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही मिलेंगे दोस्तों। जय हिंद, जय गुजरात।